सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं सक्सेन जाट और आप देख रहे हैं जाट ग्रुप यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल से ही ऑनलाइन अपने आधार कार्ड को जो है कैसे डाउनलोड कर सकते हो। तो उसके लिए दोस्तों, आपको सिंपली अपने फ़ोन में कोई भी ऐप जो है डाउनलोड नहीं करनी है। तो दोस्तों, उसके लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और चैनल पर नए हैं तो चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, जिससे आप हमारी लेटेस्ट वीडियो मिस ना कर सके। तो सिंपली दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, आपको अपने फ़ोन का डाटा ऑन कर लेना है। तो आप देख सकते हो मैंने डाटा पहले से ऑन करके रखा है, जिससे आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो आपको सिंपली दोस्तों गूगल पर जाना है। आप दोस्तों कोई सा भी ब्राउज़र ले सकते हो, क्रोम या गूगल ज़्यादा सही रहेगा। तो आप ज़्यादातर गूगल ब्राउज़र लीजिए और यहाँ पर टाइप कीजिए आप UIDAI.gov.in। आपको ये लिख करके सर्च कर लेना है। आप जैसे ये सर्च करोगे UIDAI.gov.in, तो ये हमारी वेबसाइट जो है खुल जाएगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन है जो है गेट आधार। यहाँ पर मैं एक दिखा देता हूँ, जहाँ पर लिखा हुआ है सबसे लास्ट में चेक आधार रीप्रिंट स्टेटस, इससे ऊपर लिखा हुआ है सेकंड लास्ट ऑर्डर आधार रीप्रिंट। तो आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है। मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा, नोट्स लिखा आ गया कुछ, तो आप यहाँ से इसको चाहे तो पढ़ भी सकते हो और नहीं भी। तो यहाँ आपको दोस्तों अपने आधार का जो है नंबर डाल देना है, जो कि 12 डिजिट का है। तो मैं यहाँ से सिंपली अपने आधार का नंबर डाल देता हूँ। और दोस्तों, आपको आधार नंबर डालने के बाद सिंपली यहाँ पर एक कैप्चर कोड डाल देना है, जो कि है GCKJC। और यहाँ से आपको सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। मैं सेंड OTP पे क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों, आपके सामने ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ पर ऑर्डर्ड आधार रीप्रिंट दोबारा लिखा हुआ आएगा। और आप देख सकते हो ये OTP भी आ गया है। तो मैं सिंपली नीचे की ओर स्क्रॉल कर देता हूँ। OTP दोस्तों आपके उस नंबर पर आएगा जो कि आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा। तो आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ, आपके सामने ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है और यहाँ पर आपको OTP फिल करना है। OTP, तो मैं आपको सिंपली OTP दिखा देता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हो, दोस्तों मैंने मैसेज खोल लिया है OTP फॉर आधार। ये आधार के मेरे लास्ट डिजिट दिखा रहा है इज 78864, वैलिड फॉर 10 मिनट। लॉक अनलॉक योर आधार बाई सेंडिंग SMS टू 1947। फॉर मोर डिटेल विजिट UIDAI.gov.in। तो जो हमारा OTP है, जो तो हम सिंपल यहाँ से कॉपी OTP कर लेते हैं। आप डायरेक्ट भी डाल सकते हो 78864। तो मैं सिंपली वहीं पर चला जाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैं वहीं पर आ गया हूँ और यहाँ से मैं 78864 जो है लिख देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ से टर्म्स कंडीशन पर आपको टिक करना है और आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही दोस्तों सबमिट पर क्लिक करोगे, सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो विजिट वेरीफाई योर आधार डिटेल्स, नेम सक्षम कुमार, डेट ऑफ बर्थ और मेल। और ये देख सकते हो मेल भी आ गई, क्योंकि मैंने दोस्तों अपना आधार कार्ड से जो है ईमेल ID लिंक कर रखी है, जिससे मुझे मेल भी मिल गई है। वहाँ से मेरे एड्रेस वगैरह लिखा हुआ है। यहाँ से आपको सिंपली दोस्तों मेक पेमेंट पे आप जैसे क्लिक करोगे, मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको ये थोड़ा लाउडिंग लेगा। लाउडिंग लेने के बाद दोस्तों आप 50 रुपये में अपना आधार कार्ड जो है अपना घर मंगा सकते हो। दोस्तों डाक द्वारा आपका आधार कार्ड 15 से 20 दिन के अंदर आपका आधार कार्ड आपके जो आधार कार्ड पे एड्रेस है उस पर पहुँच जाएगा। आप यहाँ से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI से भी इसका पेमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों मेरे पास पहले से ऑलरेडी आधार कार्ड है, तो मैं इसलिए आधार कार्ड नहीं मंगाऊंगा और ना ही मैं पेमेंट करूंगा। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने आधार कार्ड को मंगा सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। दोस्तों आप एक बात देखिए, मैंने वीडियो जो इससे पहले वाला पार्ट था, OTP आने से पहले वाला पार्ट, वो मैंने रात को शूट किया है। आप देखिए उसमें टाइम और आप इसमें टाइम देखिए ऊपर। और दोस्तों ये वीडियो मैं अगले दिन शूट कर रहा हूँ, इसका आधा पार्ट कल शूट कर दिया था। तो बस दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।